इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये थी शाम की हेडलाइंस और बड़ी खबर हिमाचल से है। हिमाचल के किन्नौर से ये बड़ी खबर, किन्नौर में चट्टान गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों के अब तक मौत की खबर आ रही है। मलबे के नीचे से अब तक 10 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और रेस्क्यू टीम ने 14 घायल लोगों को भी बाहर निकाल लिया है। किन्नौर में नेशनल हाईवे 5 पर ये लैंडस्लाइड हुआ। इस हादसे में एक बस चपेट में आ गई, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बस के ऊपर आ गिरा। मलबे में पूरी की पूरी बस दब गई। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। किन्नौर जिले में मुरंग हरिद्वार रूट की ये बस है और इस हादसे में बस के अलावा 2 कारें भी दब गई। बहरहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी विभत्स हैं कि जिस रास्ते से गाड़ियां गुजरा करती थी, बसें गुजरा करती थी, जहां से टूरिस्ट आया करते थे, वो न सिर्फ पूरी तरह से ब्लॉक हुआ है बल्कि इस लैंडस्लाइड की वजह से इसमें कई लोगों की जान भी चली गई। अब NDRF की टीम और जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। ये आप तस्वीर एक तरफ देख सकते हैं कि जो गाड़ी है, ये कार नजर आ रही है जो पूरी तरह मलबे में दबी हुई है। एक बस के अलावा बताया जा रहा है कि 2-4 कार भी थे जो यहाँ से गुजर रहे थे, वो मलबों के नीचे दब गए। और मलबों के गिरने का ये सिलसिला लगातार कुछ देर तक चलता रहा जिसकी वजह से कुछ और गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई। और दर्दनाक बात यह है कि अब तक 10 लोगों का शव निकाला गया है। हालांकि रेस्क्यू अभी सिर्फ शुरू हुआ है तो अब आशंका ये है कि जब तक पूरा ये जो रेस्क्यू है, पूरा मलबा हटाया जाता है, रेस्क्यू खत्म होता है, ये जो नंबर है, ये आंकड़े जो है कैजुअलिटीज के, वो बढ़ भी सकते हैं। हालांकि 14 लोग बुरी तरह से घायल हुए इस लैंडस्लाइड में, उन्हें तुरंत ITPP के जवानों द्वारा रेस्क्यू कर अस्पतालों में भेज दिया गया। हिमाचल के CM ने भी हर तरह से जल्द मदद का आश्वासन दिया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए India TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें India TV के साथ।